राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन की कढ़ी। जो हमने दही डालेंगे इसमें, इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे। बेसन ले लिए हैं और प्याज एक छोटा सा, थोड़े से लहसुन हरी वाले, अदरक थोड़े से आधा इंच, एक हरी मिर्च, थोड़े से लाल मिर्च पीसी हुई और एक लाल मिर्च खड़ा, जीरा, सरसों, हींग और दही। और इसके लिए हमने बड़ी पहले से ही बना के रेडी रख लिया है। आज हम कढ़ी कुकर में बनाएंगे। इसके लिए हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसको गर्म होने दें। इसमें हम छौंका लगाएंगे। इसके लिए हमने एक तेज़पत्ता लिया है, कढ़ी पत्ता हो तो कढ़ी पत्ता डाल दें। उसमें जीरा और मिर्चा, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। दही को बेसन में डाल के अच्छी तरह फेंटेंगे इसको बढ़िया से। ये हमने विस्लर की सहायता से दही और बेसन का घोल तैयार कर लिया है, पतला ही करेंगे। इधर फ़ौरन हमारा जल रहा है, थोड़ा सा और लाल होने तक इसको भूनेंगे। अब इसमें घोल, बेसन का घोल इसमें हमने घोल को डाल दिया है। अब इसको हम ऐसे प्याज इसमें डाल देंगे, कटा हुआ प्याज, और इसको चलाते रहेंगे। गाइस सॉरी गाइस, बताना भूल गए, इसमें हम हल्दी और नमक भी लिए हैं डालने के लिए। तो अब इसको हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद मिश्रण को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, जब तक कि एक खोल उबाला ना आ जाए तब तक इसको हम चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान दें, इसको हम कम आंच पे ही उबालते रहेंगे जब तक एक उबाला ना आ जाए। इसके बाद एक सीटी लगाया जाएगा। पहले इसको कम आंच पे ही खोलने दें, नहीं तो कढ़ी फट सकता है। फ्रेंड्स अब उबाला आ रहा है कढ़ी में, अब इसको हम कम आंच पे एक सीटी आने तक पकाएंगे। अब गैस कुकर को बंद कर देंगे ढक्कन इसका। ये हमारा कढ़ी रेडी हो गया है। अब इसमें हम छौंका डालेंगे। देखिए गाइस कितना बढ़िया टेक्सचर आया है इसका। अब इसमें छौंकने के लिए हमने छौंकने वाला पैन ले लिया है। इसमें हम ऑयल डालेंगे, मेन यही है लास्ट टचअप, इससे कढ़ी बहुत टेस्टी हो जाता है। इसमें हम राई और हींग डालेंगे। अब हमने गैस को बंद कर दिया। अब इसमें जो पिसी हुई लाल मिर्च थी वो डाल के तुरंत कढ़ी में ऐड कर दिया। ये हमारा कढ़ी पकौड़ा, बेसन का कढ़ी पकौड़ा बनके तैयार हो गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स थैंक यू।